पावर की यहाँ पे प्रेस की है, तो ये जो रीडिंग है ये यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 1.140, तो 140 पर आके स्टक हो जा रही है। तो ये जो रीडिंग मैं बहुत कुछ देने की कोशिश तो मैं करता ही हूँ आपको। अगर सीखना है दोस्तों, अगर आपने कभी आज तक आईसी रिबॉल नहीं किया, आपने कभी आज तक डुअल डे का ब्लैक पेस्टेड, या आपने एमएमसी, या आपने सॉफ्टवेयर, या आपने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं सीखी है, या आपको आती नहीं है, सो आप मेरे पास आ सकते हैं और आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपको वो सिखाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। और अगर आपको देखना है हमारे वीडियो, हमारी क्लासेस, तो लाइव फेसबुक में जाकर आप देख सकते हैं। डेली लाइव देखिए आप हमारे क्लासेस में, और डेली बच्चों को देखिए कि वो कितना सीख रहे हैं, और उसके बाद में हमें जज कीजिए, उसके बाद हमें कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जो। सो हाँ माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरे पास एक वन प्लस सिक्स आप देख सकते हैं, क्रैश डम्प। और दोस्तों ये बता देता हूँ, ये क्रैश डम्प मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये बेसिकली आ नहीं रहा है। रीज़न ये है कि इस पे ऑलरेडी जो इसका CPU जो रैम है वो ऑलरेडी रिबॉल किया हुआ है, और किसी टेक्नीशियन ने क्रैश डम्प से इसको डेड कर दिया है। तो सबसे पहले आइए उसके देखते हैं एम्पियर की जो रीडिंग है वो कितनी ले रहा है। दोस्तों किसी भी फ़ोन को डायग्नोस करना ही सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हम डायग्नोस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जो आप जब भी हमारी क्लासेस आएंगे तो हम आपको डायग्नोस इसको हम प्रॉपरली तरीके से आपको सिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल आप देखिए कि वन प्लस सिक्स जो कि एक अगर ऑन मोबाइल होगा तो ये एटलीस्ट 1.0 एम्पियर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.70 तक ये स्टक जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये फ़ोन एक ऑन नहीं है, मतलब यहाँ पर फ़ोन ऑन नहीं है, यहाँ पर फ़ोन ऑलरेडी डेड है और 0.70 स्टक। 0.70 सबसे ख़तरनाक रीडिंग होती है फ़ोनों की। सो इस रीडिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि अब मैं इसकी DC मशीन की रीडिंग चेक करूँगा। दोस्तों DC मशीन से हम बहुत सारे मसले जो हैं कि हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, MMC प्रॉब्लम है, या हमारा फ़ोन में कहाँ हमारा फ़ोन अटक रहा है, हार्डवेयर का फॉल्ट है या सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, तो ये हम पता कर सकते हैं। फ़िलहाल आप DC मशीन रीडिंग इसकी देखिए। तो इस पर DC मशीन जो रीडिंग आ रही है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस पर आप देखिए, जैसे मैंने पावर की यहाँ पे प्रेस की है तो ये जो रीडिंग है ये यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 1.140, तो 140 पर आके स्टक हो जा रही है। तो ये जो रीडिंग होती है दोस्तों वन प्लस में, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ, अभी तो मैं सारे फ़ोनों या सारे कोई किसी भी CPU की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे क्लास का कंटेंट होता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं अपने कंटेंट को अपने क्लास में ही दूँ। तो ये जो पर वन प्लस की बात करेंगे तो ये इसकी CPU की रीडिंग है, बट दोस्तों मैं इसको फिर भी CPU निकालूंगा। रीज़न क्या है दोस्तों कि दूसरे के किए हुए काम पे हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे कोई सेट अगर छेड़ा हुआ आए या काम हुआ आए तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लगा, हो सकता है एक बॉल भी मिस होगा तो ये आपका मसले जा सकते हैं। अब देखिए पत्रा ऑलरेडी निकला हुआ है, CPU और RAM जो है वो रिबॉल हुई हुई है। तो मैं इसका CPU रिबॉल करूँगा और पर्टिकुलरली जो इसकी रैम है दोस्तों वो रैम को चेंज करूँगा। मैं इसकी रैम को रिबॉल करके नहीं लगाऊंगा, बट इसकी रैम को पहले देख लूँगा। अगर इसकी रैम में अगर क्लीन होंगी, पैड ओके होंगे, और पैड से भी हम इसकी रैम को पहचान सकते हैं कि रैम वापस निकलेगी या नहीं निकलेगी, या लगेगी या नहीं लगेगी, या फ़ोन चालू होगा कि नहीं होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें सैमसंग का रैम लगा हुआ है जो कि मैंने निकाल दिया है। अब ये देखिए CPU, तो CPU को भी निकाल देते हैं। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको CPU की रीडिंग में भी मिले तो आप चाहे तो रैम को भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें रैम भी लगा सकता था, बट क्योंकि ये ऑलरेडी CPU भी रिबॉल हुआ, आप देख सकते हैं नीचे एक UV पेस्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पैड पे भी इन्होंने UV पेस्ट लगाने की कोशिश की है। तो ये किसी बड़े टेक्नीशियन से होकर ही आया हुआ है जो कि इतना काम कर पा रहा है। बट ये IC उठाने निकालने वाले टेक्नीशियन हो सकते हैं, हो सकता है इनको नॉलेज ना हो सप्लाईयों का या किसी भी प्रकार का। बस प्रॉब्लम ये है दोस्तों, सेट जरूरी नहीं है कि हर टेक्नीशियन हर सेट बनाए,
रीज़न क्या होता है, पर्टिकुलरली छोटी छोटी आईसियाँ भी ना अगर उसके पास नहीं होंगी ना तो वो सेट बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात होती है। और दोस्तों एक टेक्नीशियन के पास हर तरह की आईसी होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में लाखों आईसियाँ हैं। अब जैसे कि बात करेंगे, मान लीजिए अब तक आप डुअल डेकर कर रहे हैं, जिसमें सैमसंग A50 M30 के फ़ोन आ रहे हैं, बट अभी आपके पास में वन प्लस जैसे आए, आपने मान लीजिए आपने प्रैक्टिस की होगी वन प्लस पर, बट अभी आपके पास में कोई बोर्ड नहीं है, स्क्रैप बोर्ड नहीं है, तो अभी आप यही फ़ोन अगर आपके पास आ जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टेक्नीशियन ख़राब था जिसने ये किया। हो सकता है कि वो टेक्नीशियन के पास में रैम नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ रिबॉलिंग करके देखने से हम अपना आउटपुट नहीं निकाल सकते। हमारा आउटपुट तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम उसको चेंज नहीं कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड में बिना आईसीओ के काम करना भी एक जरूरी, बोर्ड में बिना आईसीओ के काम करना तो ये इसी तरह जैसे है जैसे कि आपके राशन की दुकान में राशन ना होना। मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं मार्केट का कोई काम ना जाए तो आपको स्क्रैप बोर्ड परचेस कीजिए। स्क्रैप बोर्ड के अलावा जो जो मार्केट में आईसियाँ आती हैं, आप देखिए, अब जैसे सपोज वन प्लस सिक्स है, अब जैसे हमने ये सेट हमने बनाया तो हमने रैम चेंज करके बनाया, अब हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, क्योंकि हमें पता है वन प्लस सिक्स एक मार्केट में रनिंग फ़ोन है। जैसे आईफोन, जैसे हमारे पास आईफोन 6 बहुत आते हैं, सो आईफोन 6 के हमने बहुत से बोर्ड यूज़ किए हैं और रखे हुए हैं, जैसे क्योंकि हमने नैंड रखा हुआ है और हमें ये भी पता है कि नैंड भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जैसे बहुत सारे मॉडल्स ऐसे एंड्रॉयड में जो आते हैं मार्केट में, पर सबके बोर्ड मिलना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आईसियाँ भी परचेज करना ज़रूरी है दोस्तों। और ये काम धीरे धीरे, देखो कोई भी आप ऐसा सोचो कि मैं आज एक दिन में 1 लाख की आईसी खरीद के बैठ जाऊं, तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको समय समय पर धीरे धीरे खुद ही पता चलता जाएगा और एक दिन आपके पास अच्छा खासा स्टॉक होगा और 10 में से 8 फ़ोन आप बनाएंगे। ये टारगेट रखिए, 10 में से 10 का फ़ोन का टारगेट रखिए, पर वही है कि आप जैसे CPU और रैम रिबॉल कर दिए फिर भी नहीं हुआ, पर रैम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये इसका रैम का पार्ट है। सो इसको पहले हम रिबॉल करेंगे CPU को। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो CPU को ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है किसी CPU के लिए इंपॉर्टेंट हो, पर ये एक फिल्ट्रेशन कैपेसिटर्स है। सो कई बार ये निकल जाने पर आप ये ना सोचें कि अब मैं क्या करूँ और CPU ना लगाऊं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप इस पर एक बार CPU लगा दें और उसके बाद जज करें, हमेशा एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर CPU और उसके अपर पार्ट का रैम का हमने क्लीन कर लिया, अभी रिबॉल तो नहीं किया है, अब हम इसको रिबॉल करेंगे। और दोस्तों इसको रिबॉल करने के लिए हम यूनिवर्सल स्टेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास प्रॉपर स्टेंसिल है तो हम उसका यूज़ करेंगे वन टाइम में। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं इसको ज़्यादा हीट दूँ और CPU ख़राब हो, तो यहाँ पर हम इसको रिबॉल करेंगे। और साथ साथ में आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स दोस्तों 2-4 महीने वाला कोर्स नहीं है। हमारा कोर्स कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, हमारा कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि चलो कुछ नहीं करते तो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो चलो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर लें। हम ऐसे स्टूडेंट को कभी भी एडमिशन नहीं देते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ केवल वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जो अपने फ्यूचर इस फील्ड में देखना चाहता है। हमारे यहाँ वही पढ़ सकता है जिसके नसों में खून नहीं मोबाइल रिपेयरिंग भाई, हमारे यहाँ वही पढ़ सकता है जो जुनूनी हो और जिसको मोबाइल रिपेयरिंग में है ना, ये आईसी निकालना लगाना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, सेटों के साथ खेलना, मतलब इंटरेस्ट हो, मजा आए, जैसे वीडियो गेम बच्चा वीडियो गेम खेल के खुश हो लेता है वैसा ही हमारे यहाँ, तो फिर हमारे यहाँ आप आ सकते हैं और बेशक आप वो सीख के जाएंगे जो आप कभी आपने सोचा नहीं था लाइफ में। आपसे गारंटी, जैसे हम कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं जिसमें हम बोले हैं कि दोस्तों पैसा वसूल अगर आप नहीं सीख के गए, क्योंकि दोस्तों हमें अपने पर इतना कॉन्फिडेंस है, हमें अपने पर इतना 100% कॉन्फिडेंस होता है, 102% कि हम आपको सिखा देंगे। और हमें ये भी पता है कि एक मोबाइल जो रिपेयरिंग का कोर्स है वो 1 महीने में नहीं सीखा जा सकता, ना ही 10 दिन में, ना ही 15 दिन में। 15 दिन तो और 20 दिन तो खैर ये बहुत ही छोटे कोर्स होते हैं, हम तो फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं 1 महीना, बट हम ये भी नहीं कहते हैं कि 1 महीना में ये सीखा जा सकता। दोस्तों ये कभी भी नहीं सीखा जा सकता, इसको प्रैक्टिस से हासिल करना पड़ता है। इसमें जितनी भी आप काबिलियत हमसे सीख के जाएंगे, ट्रिकें हमसे सीख के जाएंगे, फॉल्ट फाइंडिंग और स्कीमेटिक, इसमें आप तरीके हमसे सीखेंगे, इसमें आप एक रास्ता खोज लेंगे और रास्ते पर फिर धीरे धीरे चलेंगे और कामयाबी हासिल करते रहेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा
कि यहाँ से जाने के बाद में आप 10 में से 10 फ़ोन बनाएंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप शुरुआत जरूर करेंगे आप फ़ोन बनाने, जो फ़ोन आप नहीं बना पा रहे थे वो फ़ोन भी आप फॉल्ट समझ पाएंगे और फ़ोनों को बनाएंगे। बट एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी जो लगन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल 100% दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब आप हमारे पास आएंगे तो आप देखते होंगे फेसबुक में लाइव, जिसमें हम 12 घंटे की क्लासेस देते हैं, स्टूडेंट थक जाते हैं, उनकी पाँव की जो एड़ी होती है उनमें पैरों में दर्द आ जाता है, बट हम झुकते नहीं, हम थकते नहीं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारे अंदर हम कितना दे सकते हैं। एजी टेलीकॉम की और एक सबसे खासियत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आमतौर पर कोई भी इंस्टीट्यूट, पहली बात तो दोस्तों आप ये मैं अपने चैनल पे किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी अलग दूसरे टीचर्स की बात कभी नहीं करता, नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना काम है हमारे पास और हमारा ऑलरेडी इतना नाम है कि हमें कभी भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी किसी पर पॉइंट ऑफ व्यू करना, ना ही कहीं ये बोलना कि वो ख़राब है, नहीं बोलना। क्योंकि दोस्तों जब हम इस फील्ड में आए थे और 2013 से जब हमने पढ़ाना चालू किया था, तब तो यूट्यूब में मोबाइल रिपेयरिंग की चिड़िया भी नहीं होती थी, कोई मोबाइल रिपेयरिंग के इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, और तब से हमने वीडियो डालना चालू किया बहुत पुराने टाइम से। और जब लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे जो बाकी के टीचर है मुझे नहीं पता, बट इतना है कि मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हम काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से हैं, इसलिए आज हमारा नाम है। मैं बाकियों से भी कहूँगा कि अपना नाम पैदा करो, आपका नाम इतना हो जाए कि दूसरे आपका नाम लेने लगे, तो और इससे बड़ी बात क्या होगी, दूसरे बड़े बड़े लोग आपका नाम लें। और यही हमारी एक कामयाबी की कड़ी है कि आज पूरे हिंदुस्तान इसे टेलीकॉम को जानता है। दोस्तों आप हमें ज्वाइन कीजिए फेसबुक में और हमारी क्लासेस को लाइव देखिए। हमारे यहाँ कुछ भी हाइट नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। आप देखिए अभी हमारा 28 मई बैच चल रहा है, अब उनको 27 तारीख से काउंसलिंग क्लास से देखिए। अब देखिए पहले दिन जब वो आए थे काउंसलिंग क्लास में, अगले दिन क्लास में देखिए कि उन्होंने क्या किस किसने आईसी रिबॉल किया, आपने ये देखिए किस किसने सीपीयू रिबॉल किया, ये देखिए कि किस किसने पावर रिबॉल किया, अब ये देखिए किस किसने पावर के बाद में लाइव पावर लगाया और उसके बाद में लाइव सीपीयू लगाया। और एक बार नहीं दोस्तों, एक बार नहीं, किसी ने दो बार, किसी ने तीन बार, किसी ने चार बार, तो किसी ने 8-8 बार। और लोगों को ये मजाक लगता होगा, लोगों को लगता होगा ये फेक है, दूसरों को फेक कह देना बहुत आसान बात होता है, बट बेसिकली दोस्तों जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मेरे जो सीपीयू की रीडिंग है वो वापस आ गई है, तो अब ये मेरे हिसाब से मेरी कंडीशन के हिसाब से है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था कि मेरे सीपीयू का रीडिंग ये आए। हालांकि ये पहले भी आ रहा था, पर फिर भी मैं, क्योंकि काम किया हुआ सेट है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि इस सेट पर मैं फिर से बार बार सीपीयू रिबॉल करूँ और निकालूँ लगाऊँ।
गाइस इसका सीपीयू और रैम हमने रिवॉल्व कर लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको लगाने वाले हैं और इसको चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही फ़ोन था, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ था। और हम इसको चेक करने वाले हैं। और पहले आपने देखा था कि ये फ़ोन 60-70 पे अटक रहा था और डिस्प्ले नहीं आ रहा था, प्लस रीडिंग भी मैंने आपको बताया था। पर हमारा फ़ोन जब ऑन होता है तो 1 एम्पीयर के ऊपर चला जाता है। तो देख लेता हूँ। दोस्तों मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो गया, इसका मतलब मेरा फ़ोन चालू हो गया है, बट मेरे को डिस्प्ले नहीं आ रहा है। पर आप अगर एम्पियर चेक करेंगे, एम्पियर चेक करेंगे तो देखिए 1.60 के ऊपर है, पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। पर एम्पियर चेक करेंगे तो 1.60 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फोल्डर भी ख़राब हो सकता है। देखिए टच भी काम कर रहा है, थोड़ा हिल रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पर एक बार फोल्डर चेंज करके देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम, नहीं तो फिर ग्राफिक्स पे या उस पर काम करेंगे। अभी मैं ये यूज़ कर रहा था, आप देखिए यहाँ पर, और मेरे पास एक और फोल्डर है, एक और फ़ोन है, ये देखिए ये इसका पीसीबी है, ये देखिए ये इसका पीसीबी है। तो इसको हम बाद में बनाएंगे, ये भी बनने के लिए आया है। तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, बैटरी लो दिखा रहा है पर हमारा सेट ऑन हो गया है। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और वीडियो में बहुत कुछ देने की कोशिश तो मैं करता ही हूँ। आपको अगर सीखना है दोस्तों, अगर आपने कभी आज तक आईसी रिबोल नहीं किया, आपने कभी आज तक डुअल डे का ब्लैक पेस्टेड, या आपने MMC या आपने सॉफ्टवेयर, या आपने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं सीखी है, या आपको आती नहीं है, सो आप मेरे पास आ सकते हैं और आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको वो सिखाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। और अगर आपको देखना है हमारे वीडियो, हमारी क्लासेस, तो लाइव फेसबुक में जाकर आप देख सकते हैं। डेली लाइव देखिए आप हमारे क्लासेस में, और डेली बच्चों को देखिए कि वो कितना सीख रहे हैं, और उसके बाद में हमें जज कीजिए, उसके बाद हमें कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।